नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्ट। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और कहीं ना कहीं बीपीएससी 67वीं की जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनका संघर्ष जो है अब सफल हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी विनती, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिसको लेकर कल सड़कों पर उतरे थे बीपीएससी अभ्यर्थी, तो अब उनकी मांग को पूरी कर ली गई है। सबसे पहले आप ये लेटर देखिए जिसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर मुख्य सचिव श्री आमिर सुभानी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ बैठक की। बैठक में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने सभी जिला अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया है तथा इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पूर्व की तरह एक दिन एवं एक पाली में ली जाएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आपको बताते चले कि इससे पहले जब नोटिफिकेशन बीपीएससी का आया था तो उसमें दो दिन की बात कही गई थी, एक 20 सितंबर और दूसरा 22 सितंबर। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने आज सुबह सुबह बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें आमिर सुभानी भी थे, जिसमें अतुल प्रसाद भी थे जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, और इस बैठक में और कई बड़े पदाधिकारी थे। और अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि आखिरकार कल जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज किया गया, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ ये व्यवहार किया गया वो कितना जायज है, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर बड़ी बैठक की। सुबह से ही ये बैठक चल रही थी और आखिरकार इस बैठक का अब फैसला आ गया है और ये निर्णय अभ्यर्थियों के पक्ष में है। क्योंकि लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो यही कह रहे थे कि जिस तरीके से पहले जब परीक्षा ली गई थी तो उसमें जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया था, तो इस बार जब दो चरण में परीक्षा ली जाएगी तो प्रश्न पत्र लीक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसमें सेटिंग के चांसेस है, तो इसको कम करना चाहिए और पहले की ही तरह जो एक पाली में परीक्षा होती है वो लेना चाहिए, एक चरण में परीक्षा होनी चाहिए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात विचार करके इस पर फैसला भी ले लिया है और सारे जिला अधिकारियों को अब ये निर्देश भी दे दिया गया है। हालांकि जब पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस वक्त ये दलील दी गई थी कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उतना एक साथ परीक्षा करवाना संभव नहीं है, इस वजह से ये फैसला लिया गया था ताकि दो चरणों में जब परीक्षा हो पाएगी तो अधिकारियों के लिए ये सुलभ होगा कि वो कम बच्चे का परीक्षा ले सके। लेकिन जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया तो अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया है। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो सारी सवाल थे सारे वो अब खत्म हो जाएंगे, उनकी जो चिंताएं थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पूरी कर ली गई है, वो जो डिमांड कर रहे थे उनको अब पूरा कर लिया गया है और अब प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह एक दिन व एक ही पाली में ली जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी की जो अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।